जब वार्डन अपने कैदियों को मारता है, धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज एडमंड को इस जेल में, जिसका नाम स्टैच्यू डी है, पूरा एक साल हो चुका है। और वार्डन एक बार फिर आता है और वो एडमंड को बहुत बुरी तरह से मारता है। धीरे धीरे एडमंड की हिम्मत टूटना शुरू हो जाती है और वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वो दीवार पर देखता है जहां पर उसने लिखा होता है गॉड विल गिव मी जस्टिस, यानी कि ईश्वर मुझे न्याय देगा, और वो ऐसा करने से रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, उसका ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। आज उसे इस कैद खाने में पूरे 4 साल हो चुके हैं और एक दिन जब वो अपने कैद खाने में पूरी तरह से बदहवास होता है, तभी उसे लगता है कि जमीन के अंदर से कोई निकल रहा है और यहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। वो एडमंड को बताता है कि उसका नाम फिरिया है। उसे लगा था कि वो बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस जेल में 11 सालों से हूँ और पिछले 5 सालों से मैं सुरंग खोद रहा हूँ। इसके बाद वो एडमंड को कहता है कि मैं तुम्हारे कंधों पर खड़ा होना चाहता हूँ, और वो उसके कंधों पर खड़ा होकर खिड़की से बाहर देखता है, वो आसमान को देखता है। इससे उसे बहुत खुशी होती है। वो एडमंड को कहता है कि आज 11 सालों के बाद मैंने आसमान देखा है। और अब वो एडमंड को जिस सुरंग से खुद आया था उसी सुरंग से अपनी सेल में ले जाता है और एडमंड को कहता है कि मैंने गलत दिशा में सुरंग खोदी, लेकिन अब मुझे पता है कि सही दिशा किस तरफ है और हम दो भी हैं, हम दोनों मिलकर सुरंग खोदेंगे और 8 सालों में हम बाहर जाने का रास्ता निकाल लेंगे, यानी कि इन्हें सुरंग खोदने में पूरे 8 साल लगेंगे और एडमंड को ऑलरेडी यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं। एडमंड उसकी बात पर हंसता है। फेयो से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं तुम्हें एक बेशकीमती चीज दूंगा, जो भी मैंने जिंदगी में सीखा है, साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और एडमंड अब उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो एडमंड को तलवारबाजी करना भी सिखाता है क्योंकि वो तलवारबाजी में बहुत माहिर होता है। एडमंड को एक दिन में 2 बार अपनी सेल में जाना पड़ता है, एक बार उस वक्त जब टॉयलेट की बकेट लेने के लिए गार्ड आता है और दूसरी बार तब जब वो खाना देने के लिए आता है। और जो भी सुरंग से मिट्टी निकालते हैं वो उसे अपनी टॉयलेट की बकेट में डाल देते हैं ताकि गार्ड उसे ना देखे, और उनके वेस्ट मटेरियल के साथ वो डर्ट को, यानी कि मिट्टी को भी बाहर फेंक दे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब एडमंड हर चीज में कौशल प्राप्त कर रहा होता है। और एक दिन वो बूढ़ा आदमी एडमंड को बताता है कि मैं पहले नेपोलियन की फौज में था, लेकिन मैंने उसकी फौज छोड़ दी और मैं एक अमीर आदमी जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था उसका सेक्रेटरी बन गया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है जो उसने छुपा रखा है और नेपोलियन उस खजाने को चाहता था, इसीलिए मुझे पकड़ लिया गया। वो मुझसे खजाने का राज पूछने लगे, लेकिन मैं किसी खजाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और तब से मैं यहाँ इस जेल में हूँ। एडमंड उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि पहले मजिस्ट्रेट विलफोर्ड ने मुझे सारे इल्जामों से बरी कर दिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। फेरिया कहता है कि उसने अपना फैसला बदला, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। और एडमंड को याद आता है कि उसने पूछा था कि नेपोलियन का लेटर कौन लेने के लिए आएगा। जवाब में एडमंड ने कहा था मिसियो क्लेरियन, और इनाम सुनने के बाद उसने लेटर को जला दिया था। फेरिया कहता है कि अजीब बात है, देश के खिलाफ विद्रोह के इतने बड़े सबूत को मजिस्ट्रेट ने जला दिया, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और यहाँ पे एडमंड पूरी बात समझ जाता है। दरअसल जो आदमी लेटर लेने के लिए आने वाला होता है वो मजिस्ट्रेट का पिता होता है जो कभी नेपोलियन की फौज में कर्नल था, और अगर उसके पिता के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगता तो उसकी भी नौकरी चली जाती, उसके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप लगता और उसे भी सजा होती। वो अपने आप को बचा रहा था। अब एडमंड को पूरी कहानी समझ में आ जाती है और धीरे धीरे ये सुरंग खोदते खोदते एक दिन एक पेड़ की जड़ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये बाहर तक पहुंच गए। अब बस इन्हें ऊपर की तरफ सुरंग खोदनी है जिसमें कुछ ही हफ्ते लगेंगे। एडमंड कहता है कि मैं भी छेनी लेकर आता हूं। और जब वो सुरंग से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है तभी सुरंग से ऊपर मिट्टी गिरना शुरू हो जाती है, और इससे पहले कि फेरिया वहां से बाहर निकलता उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। एडमंड उसे सुरंग से बाहर ले आता है और अब फेरिया अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो मरने से पहले एडमंड को कहता है कि मैंने खजाने के बारे में तुम्हें गलत बताया था, मुझे खजाने के बारे में पता है। वो उसे खजाने का एक नक्शा देता है और कहता है कि इटालियन कोस्ट पर एक टापू है जिसका नाम है मोंटी क्रिस्टो, वहां पर जाना और इस नक्शे की मदद से तुम खजाने तक पहुंच जाओगे। इस खजाने को तुम लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना। एडमंड कहता है कि अब मैं यहां से कभी नहीं निकल सकता, सुरंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। फेरिया कहता है कि कोशिश करते रहना, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं और गार्ड्स को पता चल जाता है कि फेरिया की मृत्यु हो चुकी है। वो अंदर आते हैं और उस वक्त एडमंड उसी सेल में पत्थर के नीचे जहां पर उस सुरंग खोदते थे वहां पर छुपा होता है। सेल के अंदर गार्ड्स फेरिया की बॉडी को एक कवर के अंदर लपेट कर वार्डन को बुलाने के लिए चले जाते हैं। वार्डन यहां पर आता है और वो फेरिया की बॉडी को उठाकर यहां से ले जाते हैं। दरअसल यहां पर मरने वालों की बॉडी को जंजीरों में बांधकर लोहे के साथ ताला लगाकर समंदर में फेंक दिया जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि 3 की गिनती में हम इसे समंदर में फेंकेंगे, और जैसे वो 3 बोलने वाले होते हैं उस कवर के अंदर से एक हाथ निकलता है, क्योंकि उसके अंदर फेरिया नहीं बल्कि एडमंड होता है। एडमंड ने फेरिया की बॉडी अपनी सेल के अंदर रख दी होती है और खुद इस कवर के अंदर आ गया होता है। और एडमंड हाथ निकालकर वार्डन के पास जो चाबी होती है उसे खींच लेता है। वार्डन भी समंदर में गिर जाता है। एडमंड अपने ताले खोलकर जंजीरें खोलकर ऊपर आ जाता है, और इससे पहले कि वार्डन यहां से भागता जो उस पर बहुत जुल्म करता था वो उसे यहीं समंदर में मार देता है, और खुद यहां से तैरता हुआ एक दूसरे टापू पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज कई सालों के बाद उसने पहली बार आजादी की सांस ली है। और तभी वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ये सब के सब लुटेरे होते हैं जो यहां पर अपने एक साथी को मारने के लिए आए होते हैं जिसने उन्हें
धोखा दिया था, लेकिन उसके कुछ साथी चाहते हैं कि उसे ना मारा जाए। इसीलिए यहाँ पर जो इनका लीडर होता है वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा होता। एडमंड को देखने के बाद वो कहता है कि तुम हमारे धोखेबाज साथी से लड़ोगे और तुम दोनों में से जो जिंदा बचेगा वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएगा। और अब एडमंड की और उस दूसरे आदमी जिसका नाम जैकोबो होता है, इन दोनों की चाकू की फाइट होती है और इस फाइट में एडमंड उसे हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, वो उसकी जान बख्श देता है और साथ ही साथ सरदार से कहता है कि इसकी जान बख्श दो, इससे तुम्हारे पास एक और काबिल साथी रहेगा। सरदार उसकी बात मान जाता है और जैकोबो की जान को बख्श देता है। जैकोबो एडमंड को कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए अब तुम्हारा गुलाम हूँ। इसके बाद ये सब के सब यहाँ स्टापो से निकल जाते हैं। इसके बाद एडमंड अपने शहर लौट जाता है, जैकोबो भी उसके साथ होता है। एडमंड एक अपने पुराने जानकार के पास जाता है जो उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि आज 13 साल बाद वो लौटा है, उसका पूरा हुलिया बदल चुका है। एडमंड उस आदमी से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ, मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। वो आदमी बताता है कि एडमंड की राजद्रोह के बारे में पता चलने के बाद उसके पिता ने अपने आप को फांसी लगा ली। एडमंड पूछता है कि उस पर राजद्रोह का आरोप किसने लगाया था। वो आदमी बताता है कि विलफोर्ड ने, जो उस वक्त यहाँ का मजिस्ट्रेट था जिसने एडमंड को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसका प्रमोशन हो गया, वो चीफ प्रोसिक्यूटर बन गया और पेरिस चला गया। दरअसल उन दिनों उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी थी। यहाँ पर एडमंड को यह भी पता चलता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मर्सिडीज है, उसने एडमंड की मृत्यु की खबर सुनते ही मोंडेगो से शादी कर ली थी। मोंडेगो एडमंड का वही पुराना दोस्त है जिसने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल हुई थी। और अब मोंडेगो अपनी पत्नी मर्सिडीज के साथ पेरिस में रहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है और वो अब इन सबसे बदला लेना चाहता है। सबसे पहले एडमंड अपने साथी जैकोबो के साथ मोंटी क्रिस्टो टापू पर जाता है और वो वहां पर खजाना ढूंढता है। उसे खजाना मिल जाता है जो पानी के अंदर होता है। यहाँ पर सोने से भरे हुए इतने बड़े बड़े बक्से होते हैं कि जिन्हें ये एक बार में नाव में यहाँ से नहीं ले जा पाते, लेकिन जितना भी सोना ये यहाँ से ले जाते हैं ये चाहकर भी उसे खर्च नहीं कर सकते। ये सबसे पहले पेरिस जाते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा महल खरीद लेते हैं। और अब एडमंड अपना नाम बदल लेता है, वो अपना नाम रखता है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। और सबसे पहले वो ये पता लगाता है कि मोंडेगो की कमजोरी क्या है। उसे पता चलता है कि उसने बैंक से लोन लिया है। वो अपने आदमी को कहता है कि उस बैंक को खरीद लो और साथ ही साथ वो जितनी भी शिपिंग कंपनीज के साथ डील करता है, काम करता है, उन सब कंपनीज को मना कर दो कि कोई भी उसके साथ काम ना करे। लेकिन अभी भी वो मौका ढूंढ रहा होता है जिससे वो मोंडेगो के करीब जा सके। मोंडेगो और मर्सिडीज का एक बेटा होता है जिसका नाम एल्बर्ट है। एडमंड अपने आदमियों से उसे किडनैप करवा लेता है और खुद उसकी जान बचाता है ताकि वो उसके परिवार के करीब पहुंच सके। और उसकी ये चाल, ये प्लानिंग पूरी तरह से कामयाब रहती है। एल्बर्ट एडमंड उर्फ मोंटी क्रिस्टो को अपने घर दावत पर बुलाता है और अपने पिता मोंडेगो से इंट्रोड्यूस कराता है। मोंडेगो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है और साथ ही साथ वो इतना अमीर है, इतना रॉयल है, मोंडेगो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये उसका वही पुराना दोस्त है जिसका नाम एडमंड है। इसके बाद एडमंड यहाँ पर मर्सिडीज से भी मिलता है और जब वो उसके साथ डांस करता है तो मर्सिडीज को भी कुछ जाना पहचाना एहसास होता है, पर वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उनके मुताबिक अब एडमंड मर चुका है। लेकिन इसी पार्टी में जब एडमंड अपनी उंगली से अपने बालों को घुमा रहा होता है तो मर्सिडीज ये देख लेती है। दरअसल एडमंड की ये पुरानी आदत होती है और वो पहचान जाती है कि ये एडमंड है। और जब एडमंड घर जा रहा होता है तो वो उसकी बग्गी में पहले से बैठी होती है। वो उसे कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन एडमंड उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि जिसके बारे में आप बात कर रही हो वो इंसान मर चुका है। मर्सिडीज कहती है मुझे पता है कि तुम वही हो। उसे बताती है कि मुझे मजिस्ट्रेट विलफोर्ड ने बताया था कि तुम्हें फांसी हो चुकी है और इसके बाद मुझे मोंडेगो से शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे बग्गी से उतार देता है। यहाँ पर एडमंड ने एक और प्लान बनाया होता है। वो मोंडेगो और विलफोर्ड जो कि मजिस्ट्रेट था उसे यकीन दिला देता है कि उसे खजाना मिल चुका है और उसका एक शिपमेंट आ रहा है जिसे पास करवाने के लिए उसे विलफोर्ड की जरूरत है। विलफोर्ड मोंडेगो से कहता है कि हम किसी भी तरह से उस शिपमेंट को हासिल कर सकते हैं और सारा सोना हमारा हो जाएगा। मोंडेगो कहता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को जानता हूं जो हमारी इसमें मदद करेगा। और जब पोर्ट पर एडमंड का शिपमेंट आता है तो मोंडेगो का वही पुराना दोस्त जिसे एडमंड भी जानता है। दरअसल आज से कई साल पहले एडमंड को इसी के बदले शिप का कैप्टन बनाया गया था, जिस वजह से जेलस हो गया था और इसने एडमंड को फंसाने में मोंडेगो का पूरा पूरा साथ दिया था। और जब भी यहाँ पोर्ट पर उसका खजाना चुरा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एडमंड आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी होती है और इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद एडमंड सीधा मजिस्ट्रेट विलफोर्ड के पास जाता है जो स्पा रूम में होता है और उसे एडमंड कहता है कि तुमने आज से कई साल पहले मर्सिडीज को झूठ क्यों बोला कि मुझे फांसी हो गई। विलफोर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता। एडमंड उसे कहता है कि तुमने ऐसा इसलिए किया था कि मोंडेगो की और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक सौदा किया था, तुम अपने पिता से परेशान थे क्योंकि वो नेपोलियन के वफादार थे, वो उनका साथ देना चाहते थे और तुम्हें इस बात का डर था, इसीलिए तुमने मोंडेगो को अपने पिता को मारने के लिए कहा और उसने तुम्हारे पिता का कत्ल कर दिया। विलफोर्ड कहता है कि सच है लेकिन तुम कभी इसे साबित नहीं कर पाओगे और ना ही मोंडेगो कभी इस बात को एक्सेप्ट करेगा। एडमंड कहता है कि हाँ वो तो नहीं करेगा लेकिन तुमने कर लिया। और तभी धुएं के पीछे से पुलिस आती है और वो विलफोर्ड को उसके पिता की हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लेती है। वहीं अब मोंडेगो इस शहर से भागना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर कर्ज है, उसके ऊपर धोखेधड़ी के कई सारे मामले हैं और साथ ही साथ अब उसके ऊपर खून का भी इल्जाम है। और वो मर्सिडीज को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। मर्सिडीज कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। वो कहता है ठीक है तुम मत आओ, मैं और मेरा बेटा यहाँ से चले जाएंगे। मर्सिडीज कहती है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमंड का बेटा है और एक यही कारण था कि एडमंड की मौत की खबर के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता और वो यहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इन्होंने एडमंड का खजाना चोरी करके छुपाया है, लेकिन जब वो बक्से खोलता है तो उसके अंदर मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं होता। और अब एडमंड यहाँ पर आ जाता है, वो अपने असली रूप में आता है। मोंडेगो कहता है तो तुम जिंदा हो। वो तलवार से उस पर हमला करता है लेकिन अब एडमंड उससे भी बहुत बेहतरीन तलवारबाज है और एक
झटके में उसे धराशायी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर आता, मोंटेगो का बेटा एल्बर्ट यहां पर आ जाता है और वो एडमंड के ऊपर हमला कर देता है। और एडमंड जब उसे मारने वाला होता है कि वहां पर मर्सिडीज आ जाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे पिता मोंटेगो नहीं बल्कि एडमंड है। ये बात सुनकर एडमंड भी हैरान हो जाता है लेकिन वो खुश भी होता है क्योंकि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा वापस मिल गए। और तभी यहां पर मोंटेगो गन निकाल लेता है और जैसे ही वो एडमंड पर गोली चलाने वाला होता है, एडमंड का साथी उस पर चाकू से वार करता है जिससे उसका निशाना चूक जाता है और मर्सिडीज के कंधे पर गोली लग जाती है। मोंटेगो यहां से भाग जाता है क्योंकि गन में एक ही गोली होती है। एडमंड उसका पीछा करता है। इन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है और एडमंड मोंटेगो का खात्मा कर देता है। और अंत में यह दिखाया जाता है कि एडमंड उस जेल को जिसका नाम चैटुडी है, जहां पर उसने 13 साल बिताए थे, उस पूरी जगह को खरीद लेता है ताकि किसी के ऊपर दोबारा से उस तरह से जुल्म ना हो जिस तरह से उसके ऊपर हुए थे। और वो कसम खाता है कि वो अब अपनी ताकत, अपनी जिंदगी को सच्चाई और भलाई के रास्ते पर लगाएगा, जैसा कि उसे जेल में फेरिया ने मरते वक्त कहा था, जिसने उसे खजाने का नक्शा दिया था। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर